अस्सलाम वालेकुम पाक बुलंद, मेरा नाम है सलीम, जो मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। हम अपने हुकूमत से कई नारे सुनते रहते हैं और कई परेशानियाँ हमारे लिए आती रहती हैं। सियासी नारे हर अगले रोज़ आते हैं कि ये चीज़ सस्ता हो गया, ये सब्सिडी हो गई, और हम आपको हमेशा बताते हैं कि पेट्रोल, गाड़ी, व्हील से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उसकी सबसे ऑथेंटिक अगर आपको खबर लेनी है तो आपको सिर्फ हमारे ब्लॉग्स पढ़ने चाहिए या हमारी वीडियो देखनी चाहिए। अली खिज़र साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर भी, और अक्सर इनके ट्वीट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो बड़ा असर रखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा इनको बुलाते हैं, शायद हमारी वीडियो की भी कहीं ना कहीं सुनी जाए। तो कैसे अली, आप ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक सर। ये पिछले दिनों से एक इशू चल रहा था जिसके ऊपर पहले मेरी आपकी एक दिन बात हो रही थी। एक तो पहले, सबसे पहले GST बढ़ाया गया गाड़ियों के ऊपर, पहले 17 से 18 किया गया, 1% का डाका सब पर डाला गया। फिर उन्होंने देखा कि यार ये जो उससे ऊपर वाले हैं वो तो कुछ बोलते नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बकौल उनके, और आपने भी मुझे कहा जी अमीर से कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं होता। तो वो फिर उन्होंने 25 कर दिया, वो भी डाका पड़ गया, लोगों ने शोर मचाया, उस पर भी खास नहीं मचाया। अब एक और न्यूज़ सुनने में आ रही है जो कि अगेन गवर्नमेंट एज अ वो कर रही है कि हमने बड़ा कारनामा किया है कि हम सस्ता पेट्रोल देंगे मोटरसाइकिल वालों को, छोटी गाड़ी वालों को, कैरी डब्बे वालों को, ये वो। Park Wheel Senate for me, the hassle-free way to sell your car. इस पे मैंने पिछले वीकली में कहा कि हमने, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, आप नामजद हमारे उस्तादों में से थे, तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऐसी पॉलिसी जो कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर करने का मसला हो तो वो घटिया पॉलिसी होती है। तो मेरे लिहाज से तो ये घटिया पॉलिसी इस लिहाज से है जो कि हमें पहले पता थे डायनामिक्स कि भी मैं मोटरसाइकिल के नाम पे सारे पेट्रोल लूँगा और V8 में डाल के चलाऊँगा। बट आपसे फिर मेरी कल बात हुई, आपने थोड़ा बताया, तो हमने कहा चलें इस पे एक वीडियो भी बना लेते हैं। बट मैं आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि इससे बेहतर तरीका ये है कि जहाँ दुनिया जहान में जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर मल्टीपल फ्यूल ग्रेड्स होते हैं। मेरा ख्याल है हम वाहिद मुल्क हैं जिसमें 2 फ्यूल ग्रेड्स हैं, एक आपका हाई ऑक्टेन, एक नॉर्मल है। इससे पहले एक रेगुलर हुआ करता था हमारे बचपन में जब BSP, पाकिस्तान बर्मा शेल और उस तरह की कंपनियां थी, अब सिर्फ 2 कर दिए गए हैं। तो मैं अभी भी ये प्रपोज करता हूं कि अगर आप कम रॉन 81, 82, 87 से नीचे जो गाड़ी के लिए यूज़ नहीं होता, बाइक के लिए हो सकता है, आप वो मंगाएं और बाइक वाले को वो दें। ये ऐसे ही है कि आप, और उसका कई लोग कहते हैं जी मिक्सिंग कर लेंगे ये वो गाड़ी पर चलेगा नहीं, एक आप अलहदा नोज़ल लगा दें। अब जो नया सिस्टम है जो खैर फिलहाल अब नहीं हो रहा, अब जो हो रहा है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, क्या मुहरकात हैं, बिकॉज मैं वो लिस्ट पढ़ रहा था, मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बनाई है कि वो ऐसे है कि जी टोटल अगर 10 लाख मोटरसाइकिल हैं उनमें से 7 लाख तो वैसे ही निकल जाएंगे, ज़्यादातर लोग किस्तों पर चला रहे हैं। जो मैंने जो समझा है, अगर मैं गलत हूँ आप बताइएगा, कि वो सिस्टम ये कहता है कि जी एक वो आपके पास वहाँ पे पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो एक आपके ID कार्ड से वेरीफिकेशन होगी, वो बाइक भी आपके नाम होनी चाहिए, आपकी इनकम 40,000 से कम होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें पूरी होंगी, फिर एक OTP आएगा, और फिर सारा कुछ करने के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा और दिन का 3 लीटर शायद, जिसमें 100 रुपये कम होगा, यानी आम आवाम के लिए अगर 275 या 300 है तो आपके लिए 200 होगा, ये सारा कुछ है। मेरा पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर, बिकॉज हम लोगों से मिलते रहते हैं, मोटरसाइकिल की जो ओनरशिप है वो 70% तो वो है जो किस्तों पर चला रहे हैं, तो उनके अपने नाम नहीं है, वो तो चले गए बाहर। गवर्नमेंट का नारा फिर भी पूरा कह जी हम गरीब की मदद कर रहे हैं, तो वो तो खामोशी से 70% तो बाहर हो गए, अब हमने सब्सिडी देनी है बाकी 30 को। उस 30 में से भी कोई ऐसा है कि जो बड़े भाई का मोटरसाइकिल चला रहा है या शेयर्ड मोटरसाइकिल है वो भी निकल गया उसके नाम वाला, चलें जी 10% वो निकल गया, 20% रह गए जिनके अपने नाम है। अब उनमें से कितने वो हैं जो फाइलर होंगे, जब वो फाइलर नहीं है, अगेन गवर्नमेंट के लिए तो बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि भैया आप फाइलर बने, जिसका मैं भी एग्री करता हूं आपको फाइलर बनना चाहिए, और जिस बेचारे की 40,000 तनख्वाह है वो साल का 3,000 फाइलिंग पे लगा दे, फाइलर 3-3.5 हज़ार तो फाइलिंग के ले लेते हैं, तो एंड पे सर कितने बंदे बचेंगे? नहीं नहीं, पहली बात की फाइलिंग वाला नहीं है। चलो शुक्र है, ठीक है, इसमें नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ये सही है कि ये बंदे थोड़े बचेंगे, और शायद इसकी ये वजह एक अच्छी भी है कि आपको सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, और ये पॉलिटिकल नारा भी है, लेकिन इसका देखें जो किस्तों पर चला रहा है उसको होना चाहिए, जैसे आप गाड़ी किस्तों पर लेते हैं आपके नाम गाड़ी होती है, ठीक है ना, वो बैंकों में होती है ना, जो आप लेते हैं ना सड़क वगैरह ऐसे, वो नहीं आपके नाम होती, आप बैंक के नाम और आपके नाम जॉइंट होती है गाड़ी में, हाँ गाड़ी में, तो मोटरसाइकिल में भी ऐसे होना चाहिए, इससे ये होगा कि होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसी बना रहा है उसको बताएं हमारे मुल्क में मोटरसाइकिल की लीज होती नहीं है। नहीं नहीं, वो देखें मोटरसाइकिल की लीज कैसे होती है, मोटरसाइकिल का डीलर देता है? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होती है सर, जो है ना, जैसे आप कहते हैं इररेगुलर ट्रेड इसको बोलते हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड है, आप कोनों पे जाएं, GT रोड से शुरू हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मार्केटिंग मुझे की कंपनी की 2-3 ही कंपनी है उनके आगे पीछे शोरूम है, और उन्होंने ही सबको बाइक दी हुई है, तो अब और उन्हीं के नाम, जब कंज्यूमर जाएगा कहेगा कि भाई मेरे नाम बाइक करो क्योंकि मुझे इससे पैसे कम मिलेंगे, तो वो बाइक का नाम अपने करने की मजबूरी आएगी, जब वो 3 कंपनियां नाम करेंगी, वो 3 कंपनियां जो टैक्स नहीं देती वो टैक्स देना शुरू होगी। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे सर, देखिए मैं बाइक लेने वाला हूँ, मेरे पास पावर नहीं है, आप XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से आप मुझे बाइक लीज करके देते हैं, आप मेरे पे एहसान करते हैं, लेकिन आपका सेफ्टी नेट ये कि आप बाइक मेरे नाम ट्रांसफर नहीं करते। आप उस स्ट्रक्चर को ठीक करें ना, बाइक लेके भाग भी जाएगा ना
तो बाइक लेके वो उसके पीछे पहुंच जाएगी, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर को ठीक करें, उसके अंदर ट्रैकर लगाएं, जिस तरह गाड़ियों में होता है। गाड़ी में ट्रैकर क्यों नहीं करते कि टू व्हील्स की लीज शुरू करा दे? लीज हो रही है ऑलरेडी, उसको सिर्फ रेगुलेट करना है। कौन सा बैंक करता है भाई वो बैंक? जरूरी नहीं तो लीज बैंक करे, ये आपका लीज कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक जो है सर एससीसीपी के मुताबिक वो इलीगल कारोबार कर रहा है तो उसको लीगल कर दे। SECP के अंदर NBFC रजिस्टर करते, तीन कंपनी है ना, NBFC रजिस्टर करें, फाइनेंशियल कंपनीज हैं और लीजिंग कंपनी, NBFC ये कर दें, NBFC के अंदर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी SECP के करें रेगुलेट करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, टैक्स भी दें और उसको साइक भी करें, डॉक्यूमेंट करें, तो ये चीज तो एक अच्छी चीज है। लेकिन हम बड़ा लॉन्ग टर्म है ना, आज तो मैं कह रहा हूँ सियासी नाराज हुआ ना, आज मैं ऐसा बोलूंगा जी मैं पास व्हील्स के दफ्तर में 200 लोग हैं, मैं सबको फ्री खाना दिया करूंगा डेली, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ वो बचा जो अपना टिफन लेके आएगा, हाँ टिफन उसकी अम्मी ने उसको दिया। अब इसका बेहतर तरीका क्या था, ये जो स्कीम है, ये स्कीम आज से नहीं सोची जा रही, 2022 में भी 2022 में जब स्कीम सोची जा रही थी वो स्कीम अच्छी सोची जा रही थी, उसकी में यह था कि बाइक का रजिस्ट्रेशन और इसका दोनों का आप शनाख्ती कार्ड मैच होगा तो उसके थ्रू जो आपके ये अमाउंट आएगी कि 21 लीटर पे लेट से आपकी 50 रुपए के हिसाब से 1100 रुपए की सब्सिडी बनती है, तो या 1050 रुपए की 1050 रुपए आपकी वो उसमें डाल दिए, बटवे में डाल दिए, आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए, आपके BISP अकाउंट में डाल दिए, एहसास प्रोग्राम में डाल दिए, ये कर दिया, ठीक है जी सर। एक मिनट सॉरी, एक सुनते लेना, हाँ। सुन ले, और उसमें ये सारी बाकी खप खप से आप निकल गए, ठीक है, और उसमें जितने लोग रजिस्टर्ड होते जाएंगे, जो बाइक का अपना प्रूफ करते जाएंगे वो होते जाएंगे और वो होता जाएगा। अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने सियासी नारा कर दिया, उन्होंने कहा है कि जी 18 मिलियन बाइक्स हैं इस वक्त रोड के ऊपर और 1.3 मिलियन 13 लाख आपके पास छोटी गाड़ियां हैं 800 cc से नीचे और रिक्शे हैं, इन सबको जो हम 100 रुपया पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं, और 100 रुपया सस्ता नहीं दे रहे, 50 रुपया सस्ता दे रहे हैं, और वो इस तरह दे रहे हैं कि अगर आज 275 की कीमत है तो इनको अगर 225 का मिलेगा तो आप 325 देंगे, क्योंकि तकरीबन इन्होंने सबसे बड़ी बात यह पैसे आप देंगे, सुनील मंज देगा, अली खिजर देगा, जो भी गाड़ी चलाता है 800 cc से ऊपर वो देगा। और भाई 1000 cc की वो सुजुकी स्विफ्ट होती थी पुरानी, 15 साल पहले मैं चलाता था, आज भी चलाते हैं, तो कितने की, 10 लाख की भी नहीं गाड़ी होगी, 4 लाख 5 लाख 5 लाख की गाड़ी है और वो पैसे देगा, 5 लाख की गाड़ी वाला 5 लाख के मोटरसाइकिल वाले को देगा, मजे की बात ये है। चलो 5 साल की मोटरसाइकिल वो हाँ वो चले, वो तो हार्ले वाले तो थोड़ी नहीं, हार्ले उर्ले नहीं सर, किधर रहते हैं CD125 जो है वो 3.5-4 लाख की, 4.5 लाख की थी CD125 और वो है कमाल हो गई। तो ये एक एक और नारा इसमें ये है, और जेब से आपके पैसे जा रहे हैं भाई। आप आज मुझे बताएं, आज बिजली आपको बिजली मिलेगी, जो घर को बिल आएगा इस समर में वो 40 रुपए का यूनिट आएगा, बिजली जो बनती है वो टैक्स डाल के उसमें बेसिक ट्रांसमिशन लॉसेस डाल के 20-22 रुपए की बनती है, सही है। तो 20 रुपए की बिजली आपको 40 रुपए की मिल रही है, और अगर 40 से 20 पे देंगे तो कहेंगे आपको सब्सिडी देते हैं, ये सब्सिडी थोड़ी है। आपसे जो 6 रुपए की किसी को बिजली दे रहे हैं 300 यूनिट से पहले, या 10 रुपए की दे रहे हैं, उसके पैसे आपसे ले रहे हैं। अच्छा, जो चोरी करता है उसके पैसे आपसे ले रहे हैं। आप इधर से जो सर्कुलेटेड पुराना खड़ा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है उसके पैसे आपसे ले रहे हैं, हर चीज के पैसे ले रहे हैं। तो आप चले गए कैसे? ये देखिए, ये सब्सिडी तो ना, मतलब ये हुआ कि पेट्रोलियम लेवी जो 50 रुपए थी वो उससे खत्म कर दी, और वो पेट्रोलियम लेवी मेरे और आपसे लेंगे, आपसे लेंगे, आपसे 100 रुपया लेंगे, आप 100 रुपया लेवी देंगे, वो 0 रुपया लेवी देंगे, नेट ऑफ होके 50 हो जाएगा। तो जो बंदा इस मुल्क में टैक्स देता है, जैसे मैं और आप है, 35% ऑफ इनकम हम टैक्स में दे रहे हैं, 18% नॉर्मल चीजों पर GST दे दी, 52% ये चला गया, फिर जो पेट्रोल डलवाना है उसमें भी टैक्स देना है, गाड़ी के टोकन पे भी टैक्स देना है, फिर सड़क पे टोल टैक्स देना है, तो अपने ऊपर क्या लगाएंगे? देखिए इस वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अपने ऊपर क्या लगाएंगे, फिर वही कहेंगे ना जो आपका दोस्त है जो कह रहा था कि भाई मैं तो नहीं टैक्स देता था, मैं नॉन फाइलर रहता हूँ। अच्छा, मैं नॉन फाइलर हूँ, दे वांट एवरीबॉडी टू बी अ नॉन फाइलर, तो यही बात हो रही है, आप सबको नॉन फाइलर बनाना चाह रहे हैं, यही तो इस FBR का मसला है। सबसे ज्यादा टैक्स ही चोरी FBR करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त DHA में यहाँ पे रहता है, उसका वो किराए पे रहता है, वो 2.5 लाख रुपए का किराया दे रहा है, उसका मालिक मकान एक FBR की कमिश्नर है, और वो कमिश्नर उसको कहती है कि भाई तुम मुझे पैसे अकाउंट में नहीं, मुझे कैश पे ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हारे किराया नहीं बढ़ाऊंगी। ये तो हाल है, ये तो FBR के लोग हैं, सबसे ज्यादा वो कमाते हैं। जब तक आप कस्टम वाले सबसे ज्यादा वो कमाते हैं, जब तक आप उस घर को नहीं ठीक करेंगे तो यही होता रहेगा। और आप जिस जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सारा इन्फ्लुएंसर है, जो रियल स्टेट में कमाता है, जो तो इसमें रिटेल ट्रेड में कमाता है, वो टैक्स देता नहीं, तो वो टैक्स बेचारा जो थोड़ा सा रह गया वही देता रहेगा, वो भी ऐसा ऐसा निकलता रहेगा, वो तो वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, वो रिमिटेंस भेजेगा, उस पर भी टैक्स नहीं होगा। तो सर गाड़ियों का नाम टैक्स मशीन क्यों नहीं रख देते?
गाड़ी जब पाकिस्तान में आती है, गाड़ी तो बिकेगी कौन सी, मुझे बताएं, नई गाड़ी बिकेगी कोई? नहीं तो नहीं बिकेगी। 1 करोड़ रुपए से ऊपर की सिविक है, 2 करोड़ की आपकी फॉर्च्यूनर है, कौन गाड़ी ले सकता है? सर वही लेंगे सर, ये जो भी आप बता रहे थे, जो खातून कैश में दे दें, कितने उन सबके पास खड़ी होती है? इतने कितने ले लेंगे, 20% 40%? सर इंडस्ट्री तो खत्म, इंडस्ट्री खत्म, पार्ट वाली इंडस्ट्री खत्म, खत्म कर दी आपने। इतनी इंडस्ट्री में 10 नए प्लेयर लाए, उनका क्या बनेगा, कौन बिकेगी? फिर सब्सिडी मैं बताता हूँ ना, जिस तरह ये देखिए सर, हमारे मुल्क में होता है क्लाउड इकट्ठा करना है, जिस तरह वो सारे इकट्ठे होते हैं, जितने हमारे है ना इंडस्ट्रीज, वो इकट्ठे होकर जाके कहते हैं जी हमें सब्सिडी दे दो। आप उन कंपनियों की बैलेंस शीट देखें, 8-8, 10-10 अरब रुपए का प्रॉफिट करते हैं और फिर जाके 6 अरब रुपए की आपने, आपने, आपने सब्सिडी देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को, के जो आपका फार्मर है, जो किसान है, वो आप खाद वाले को सब्सिडी देते हैं, खाद वाले के प्रॉफिट देखे, इतने भर भर के प्रॉफिट हैं, और उसको बेचारे को वो सिर्फ मिलता नहीं, उसको खाद के अलावा भी बाकी चीजें सस्ती चाहिए, जो सब्सिडी खाद वाले को देते हैं वो सब्सिडी डायरेक्ट उसे दे, वो पास ही नहीं करता। यही है, यही बात है ना कि मोटरसाइकिल वालों को आपसे लेके दे रहे हैं, वो खाद वाला उसमें मजे ले रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी के मजे लगे रहते हैं। सर एक थोड़ी सी डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं, अगर कंपेयर करें जो पहले था, जो 2022 में जब खान साहब जाने वाले थे, तो उस टाइम ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उन्होंने पहले अपना एहसास का नाम दे दिया। अच्छा नाम था एहसास, मैंने बहुत बताया आपको खान साहब पसंद है तो एहसास अच्छा है, हमें मुतरमा पसंद है तुम्हारे लिए, तो मेरी मुतरमा हीरो थी, लेकिन ठीक है ना, लेकिन ये बात है कि एहसास एक अच्छा नाम है, मैं कहता हूं ठीक है बी ए स्पीड ठीक है, किसी के साथ चल नाम को छोड़ें, उसमें प्रपोजल ये था कि जी वो आप 786 पे व्हाट्सएप करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, तो उसकी टोटल सब्सिडी 2000 रुपए की थी। अगेन जो मैं बता रहा हूँ कि बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, बजाय इसके हम पंपों पे जाके करप्शन करवाएं कि जो पेट्रोल डाला मोटरसाइकिल में, हम ये क्यों नहीं कर लेते थे, जो बेहतरीन इजी तरीका जो उसमें प्रपोज था कि समझे कि हर गरीब आदमी जिसकी 40,000 से कम इनकम है महीने का, उसको 2,000 रुपए दे दें, बिल्कुल सही, कौन सा 2,000 के लिए सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, देखिए 42,000 होगी उसकी इनकम और वही देंगे, और आप उसको क्या करेंगे, उसके वो ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है उसमें डालेंगे, और वो उसने बाइक पे इस्तेमाल करने, उसने मसला है, मसला है उसके, उसको उसको उसके लिए फिर आपको टैक्स रेवेन्यू चाहिए होंगे। प्रॉब्लम ये है कि इनके पास फिस्कल स्पेस नहीं है, इनके पास इनके इनका डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, और ये IMF ने इतनी सी भी कोई नई सब्सिडी देने की इजाज़त नहीं देता। बड़ा एक सवाल है मेरा, ये तो करप्शन होगी ना सर, देखिए आपकी बात मैं मान जाता हूँ, एग्जाम्पल इन्होंने जबरदस्ती आपसे आपको ज्यादा टैक्स कर दिया ना गाड़ी वाले को, ज्यादा जो टैक्स कर दिया, मैं कह रहा हूँ मुझे टैक्स कर दिया, जितनी गाड़ियां उनको टैक्स कर दिया, अब पैसा इनके पास आ गया, जो इन्होंने आगे फॉर्मूला बनाया डिसबर्स करने का कि जी हम लोगों को ऐसे ऐसे देंगे, उसमें से 100 में से 10 लोगों ने पुराना है, तो 90 लोगों का तो नहीं, 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 वो जो तरीका इन्होंने डिजिटल तरीका बनाया ना, उस तरीके में इतना मसला नहीं होगा, तरीके में मसला नहीं है, मैंने आपको अभी बता रहा हूँ फेयरनेस में मसला नहीं है, मसला ये कि जो पहुंचना है वहां पे लोगों के अपने नाम नहीं है, 70% बाइकें उनके नाम आएंगे, जेनुइन कोई मिलेगी जेनुइन कोई मिलेगी, 100 में से 30 को मिलेगी, 100 में से 30 को मिलेगी, तो बाकी 70 के लिए जो मेरे से पैसे ले रहे हैं वो कहां जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या नहीं खा जाएंगे, लैंड क्रूजर आएंगी जो चला रहे हैं, अभी से चला रहे हैं। अच्छा दूसरा मजे की बात इसमें सबसे अच्छी बात है कि 30% को मिलेगी मोटरसाइकिल, 70% को नहीं मिलेगी, और जो 70% को नहीं मिलेगी वो 275 नहीं 325 पे करेगी, और जो 30% को मिलेगी वो 225 करेगी, यानी कि जिसके पास बाइक नहीं है वो बाइक चलाता है वो खराब हो जाएगा, 50 रुपए और पे करेगा, वो सिर्फ गाड़ी वाले तो नहीं पे करेंगे, तो मेरे दिन में भी बात आई है, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात बताई है, तो ये सलमान साहब सामने बैठे हैं, आज मैं सुबह से पूछा सलमान साहब की बाइक, मैंने पूछा कि यार आप तो क्वालिफाई नहीं करते, आपकी इनकम तो 40 से ऊपर है, उन्होंने कहा जी ठीक है लेकिन मैं बाइक चलाता हूं, यानी ये भी दूसरे वाले को सब्सिडाइज ये भी करेंगे। अच्छा 40,000 की इनकम का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन अगर बाइक इनके नाम नहीं है तो ये नहीं करेंगे, तो सलमान साहब जो है वो सलमान साहब 50 रुपए और देंगे और तनख्वाह बढ़वाएं 2,000 इनसे। अच्छा सर ये तो देखें, अगर इसी को इकोनॉमी पे ले जाएं, हर बंदा अपनी तनख्वाह बढ़वाएगा तो कंपनियों की इनकम तो बढ़ने नहीं दे रहे, ऑटो इंडस्ट्री आप तबाह कर रहे हैं, उससे रिलेटेड 8,000 वेंडर हैं जो तबाह हो रहे हैं, उससे रिलेटेड पीछे लाखों लोग हैं जो तबाह हो रहे हैं, तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर किसी हमारे ना देसी कारोबार में कहते होते हैं अगर किसी से पैसे लेने हो ना तो वो शख्स आपकी जिंदगी गारंटी होता है, क्योंकि वो आपकी हिफाजत करता है, किसने मेरे पैसे देने। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, देखें इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं और नौकरियां लाखों के हिसाब से अब जाना शुरू हो गई हैं, तो वहां पे आप टैक्स लगाए जा रहे हैं, और जिसको जिस पे टैक्स लगा रहे हो टैक्स दे नहीं सकेगा। अब आपने गाड़ी पे पहले 17% टैक्स था, ठीक है जी, आपकी गाड़ी बिकती थी 25% पे कोई नहीं, 1 मिनट 2 लाख गाड़ी बिकती थी 25% पे 40,000 बिकेगी, 40-60,000 तो 40,000 पे 25 किया 100, 17 को 2 लाख पे किया कुछ 4 से 4.5 वो 4.25 के करीब हो गया, यानी कि जहाँ आप 3.5 लाख का टैक्स ले रहे थे अब आप वहाँ पे 2 लाख का ले रहे हो, तो आपने आप लॉस है। बेसिकली हुकूमत ये चाहती है गाड़ी बिके ही ना, उससे क्या होगा, क्योंकि गाड़ी होती है इम्पोर्ट, ठीक है,
वो चाहती है कि इम्पोर्ट रुक जाए बेसिकली आपकी, चूंकि आपका जो मॉडल है ना वो फेल हो गया इकोनॉमिक मॉडल, आप फिस्कल साइड को नहीं ठीक करते थे तो अब आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो हर चीज़ को बंद कर रहे हैं। इस मुल्क में गाड़ी बहुत कम बिकेगी, इस मुल्क के अंदर ट्रैवल बहुत कम होगा, इस मुल्क के अंदर लोग जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, इस मुल्क के अंदर बिजली लोग कम इस्तेमाल करेंगे, गर्मियों में एसी नहीं लगाएंगे, गाड़ियों से मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पत्थर के जमाने में चल जाएंगे, यही हो रहा है। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक बेवकूफ है, गवर्नमेंट एक जो है एक नहीं सारी बेवकूफ, सारी रियलिटी से सारे दूर, एक का मतलब है कि गवर्नमेंट बेवकूफ, सारी जितनी जितनी गवर्नमेंट आती है पिछली हो या ये वाली हो, ये अपनी इलेक्शन अपने आगे वोट को देख रहे होते हैं, अवाम का इन्हें कोई फिक्र नहीं, मुल्क की कोई फिक्र नहीं, इस मुल्क को ठीक कोई नहीं करना चाहता, इवन जो रीइमेजिन करने जाते हैं वो भी इन्हीं में से हैं जिनकी नौकरी नहीं मिली। जब तक मिडिल क्लास, जब तक वो रूलिंग क्लास नहीं निकलेगी, सलीम नीर मंज, ताबिश हाशमी मेरा दोस्त है, ये इस तरह के लोग जो है ना ये पार्टियां नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुल्क नहीं ठीक होगा। क्योंकि मिडिल क्लास में तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मिडिल क्लास जब तक नहीं आएगी ये मसले नहीं समझेंगे, वो फर्क है, इस्लामाबाद एक बबल है ना, जब मिडिल क्लास से हम उधर जाते हैं वो मिडिल क्लास रहता नहीं ना, मैं और ताबिश और आप आज हम बन जाए एमपीए, सल्ले वाले ने कहना जीवे जीवे माई साहब जीवे जीवे अली हजर, असी भी पागल हो जाए। एक बंदा जो कि बुलेट प्रूफ V8 में चारों तरफ से घिरा होता है, उसके पीछे डालों की लाइन होती है, हाउ वुड ही नो कि गरीब आदमी का किचन कैसे चलता है, गरीब उसे कौन से अपने पेट्रोल के पैसे खुद देने होते हैं। एक तो 30 ईयर होनी चाहिए कि लिबर्टी का जो है वो काउंसलर कौन होगा। आप सर ये मुशर्रफ साहब ने किया था ना डेवोल्यूशन, तो खत्म क्यों गई? इसलिए की इन पार्टियों का दुकानदारी नहीं चलती, ये पार्टियां अपनी फैमिली के अंदर से निकलती नहीं है, फैमिली कजन भाई, तो एक बंदा टिम्बकटू में रह रहा था, वो इलेक्शन यहां से लड़ रहा था, उससे होगा कि सुनील मंज यहां पे इलेक्शन जीतेगा, सुनील मंज अच्छा काम करेगा, सुनील मंज ऊपर आ जाएगा। इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो नीचे से निकला था, वो जो चीफ मिनिस्टर बना फिर उधर से ऊपर आया। हमारे पास तो एक शेख ऋषि साहब ही साढ़े गेटियां से बह गए थे, शेख ऋषि भी किधर से, वो GHQ के गेट नंबर 4 से निकलते हैं, पता नहीं गरीब कहां गए। बात यह है कि लिबर्टी चौक से सुनील मंच निकलेगा या गेट नंबर 4 GHQ से बंदा निकलेगा, ये फर्क हो गया ना। बट सर अब तो मुझे ये लग रहा है जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, अगेन मैं ये कह रहा हूँ, जब ये सारे अपोजिशन में होते हैं इनको सब नजर आ रहा है ये करना चाहिए। अगर आज बात करें ये जो हमने गरीब को मोटरसाइकिल की यही नारा आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो आज की अपोजिशन है, PTI है, कल को जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो भी प्रपोज करते, उनसे हुआ नहीं था, तरीका फर्क हो सकता है। बट डोंट यू थिंक कि जो मैं कह रहा हूं ये तो बहुत स्टूपिड सी अप्रोच है, बजाय इसके कि एक मोटरसाइकिल दूसरे को सब्सिडाइज करे, एक गाड़ी दूसरे करे, अगर लोअर फ्यूल ग्रेड पे चले जाएं, जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है यार मोटरसाइकिल के लिए, आपने मोटरसाइकिल यहां तो आपके बड़े को एडवांस बड़ी अच्छी बात है उस पे चले जाएं, वो इन्हें डर ये है कि मिक्सिंग होगी। वो यार मुझे नहीं समझ आता डर, एक सॉरी आज बात कर रहा हूँ, आप एक साइज के पास चले जाएं, वो कहते हैं जी गाड़ी फिजिकली मंगानी है, आपको क्या डर है वो टेम्पर ना हो, वो भाई तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है टेम्पर, वो पुलिस का FIA का है, आपका इम्पोर्ट बिल कम करना है, आपको इससे क्या तकलीफ है, कोई मिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्वालिटी का डिपार्टमेंट नहीं एग्जिस्ट करता, सारा पेट्रोल लेते हैं ये कतर की एक कंपनी है, उसकी कंपनी है उससे लेते हैं, वो इन्होंने जो अपना वो Euro 5 पे भी जो गए थे और उनके डंडा गिरने पे थे, इन्हें वो तेली वो उस पर मिलता है, यहाँ पे आके यहाँ लोकल रिफाइनरीज वो बनाए भी लोकल, यहाँ पे ये अटक वटक ये वो बनाए, मैं इस पे बात करता हूँ, ईरानी तेल नहीं आता, ईरानी मिलता है ना, ईरानी तेल की क्वालिटी कम होती, वो बाइक के लिए बेहतरीन है। अब बात यह है ना कि वो इन्हें इसकी लॉबी भी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नेंस का चैलेंज भी है, इसलिए वो कोई करता नहीं, को काम करना पड़ता है भाई, काम गवर्नेंस का चैलेंज ये तो मतलब मैं कहता हूँ ये अगर आज आप आपके बच्चों की एज है, मेरे बच्चे जी 8 साल 8 साल मेरी भी बेटियों की एज है, मैं कहता हूँ हम तीनों को उनको टास्क दे देना ये इससे बेहतर सब्सिडी बनाने की, मैं आपको लिख के देता हूँ इससे बेहतर सब्सिडी बनाने की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो सारे भी हंस रहे होंगे कि पॉलिसी क्या बनाई है। बात सही आप कह रहे हैं, ये जब वहां बैठते हैं ना, एक तो 50 चीजों के वो उनकी कंडीशंस होती हैं, फिर पॉलिटिकल नीड होती हैं, तो इसी तरह से ऐसी चीजें आती हैं। मुल्का वो पहले दिनों एक पार्लियामेंट के जितने पार्लियामेंटेरियन है उनकी एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी सिंगापुर मॉडल कर लेते हैं, इवन और ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलेंगी। वो उल्लू के डैश तुमने कभी जाके सड़क पे देखा है? इसका तरीका क्या, इसका तरीका जो है आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, आप इस वक्त मुल्क के अंदर अच्छा इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो डीजल पे है, उस पर तो कुछ नहीं दे रहे आप, वो तो महंगी रहेगी, लोगों को बाइक पे आप कह रहे हैं कि बाइक ज्यादा खर्चे,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट खर्च करें, होना चाहिए आपकी जगह जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट खड़ी हो और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करें और उनके इलेक्ट्रिक अपने स्टेशन हो वो मूव करें, शहर के अंदर सारी वो चलें। और बाइक का आप करें कि बाइक अगर लिबर्टी के यहाँ पे आएगी ना ये सब ये मेन बुलेवार्ड पे तो उस पर आप 100 रुपए का टोकन लगा दें। ज्यादा खौफ करो फिर ला देंगे तुसी एवी टैक्स टैक कही जानो उन्होंने आईडिया नहीं 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 सुनता ले सुनता ले उन्होंने और कुछ नहीं करना ना ईवी बस खड़ी करनी है ना कोई ट्रांसपोर्ट सिर्फ टोकन ला देना है। अली इधर ने कहा था मेल लोड से टैक्स ला दो अच्छी जड़ी वीडियो बना रही थी मेल लोड जो भी रह जाएगी सर मैं बता रहा हूं ये यही करते हैं ये चीज वो चले उसको टैक्स ना लगाए बसे तो लाए ना बसे तो लाए सर एक सवाल है मैं और आप आज मिलकर ये लॉबी करने का टीचर बैठी हो अंदर उसके अंदर आया बैठी हो जैसे आप स्टूडेंट सब बस हॉस्टल जो मर्जी बिठाने बिठाए आप अमीर के बच्चे हैं आपका बच्चा V8 में जाता था आप VIP क्लास बस आपका स्कूल ले ले आप गरीब के बच्चे में पढ़ते थे हम DPS स्मॉल टाउन से पढ़े हुए हर को मजाक उड़ाते थे पढ़े हुए मैं भी क्रेसेंट से पढ़ा हूं 80 रुपए फीस थी सर मेरे स्कूल की ठीक है तो हमारे स्कूल से भी वैन में बच्चे जाते थे तो भाई जान आप जो सस्ता वाला स्कूल है उसकी सस्ती बस हो जाए जो महंगा महंगा सड़क के ऊपर कंजेशन खत्म होगा फ्यूल बर्निंग जाया खत्म होगी आपका फ्यूल बिल नीचे आएगा सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। ये आपको स्टूपिड पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी मतलब फिर वो पोस्टर नहीं बनेगा ना बड़ा एकदम मोटरसाइकिल उसके लिए ये प्रोग्राम साथ साथ ये साथ नवाज शरीफ की मरियम की तस्वीर नहीं आएगी या इमरान खान की तस्वीर नहीं आएगी या बिलावल की तस्वीर सर हमारे दफ्तर में तो रजा साहब का बस चले वो मेरी तस्वीर के ऊपर भी बैन लगा दे कि सेल्फ फोकस नहीं करना नहीं नहीं इधर तो बिकता है पार्क व्हील बिकता है सर मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट में आप जाए ना अब सड़क पे मुझे तप चढ़ती है मेन बुलेवार्ड पे कोई भी हो खान साहब थे तो खान साहब की तस्वीर थी मियां साहब आते तो ये पोज आ जाता है ना फिर वो मरियम बीबी आ जाती हैं ये क्या तमाशा है इन सब ने क्या तमाशा है ये बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए गवर्नमेंट की किसी चीज पे किसी का नाम नहीं होना चाहिए। आपने अपनी तस्वीर देनी है अलग से इश्तेहार पैसे दे उसके छुपाए जिधर मर्जी सुनील मान्य छपानी है लिबर्टी चौक पे बड़ी सी तस्वीर छपाए मर्जी है बदमाशी है ना ये तो सर आप देखिए वो पता है पैसा आपका मेरा टैक्स आप मेरे से ले रहे हैं तस्वीर इनकी क्यों लग रही है फिर साड़ी ला दें ठीक है ना तो ये क्या बकवास है जैसे टैक्स पेयर की बल्कि लगा देते हैं मुल्क में सरकार कितने फाइलर्स कितने फाइलर्स आपके को तकरीबन 1.5-2 मिलियन आप तैयार हो जाएं इस वीडियो के बाद मुझे और आपको नोटिस होने वाला है अच्छा लेकिन कितने 1.5 मिलियन हाँ इतने हैं और टोटल पॉपुलेशन कितनी है पॉपुलेशन 220 मिलियन है उसको वैसे परेशान होते हैं आपके उसको अगर बढ़ाना हो तो कितना इजी है इतने उसमें नील फाइलर है इतना मसला है आपकी कुछ जो कंपनियां टैक्स देती है 25,000 कंपनियां होगी आपकी 4 मिलियन यहाँ पे बिजनेसेस हैं मतलब आपके मुल्क के अंदर इतना को कम डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी याद नहीं है आप अपने इधर देखें मतलब टैक्स से ज्यादा तो ज़कात कलेक्शन की हमारे पास वो डॉक्यूमेंटेशन होगी हाँ तो ज़कात कलेक्शन लोग ऐसी तरह ज़कात दे देते हैं कोई अस्पताल चला देता है कोई कंबल दे देता है कोई कुछ दे देता है कोई खाने की देके दे देता है कहते हैं बस हम ऐसे करेंगे टैक्स नहीं देते और हुकूमत कहती है अच्छा जो टैक्स देता है बस वही देता रहे और अब ऐसा हो रहा है कि जिसको टैक्स लगा रहे इतना टैक्स लगा गया कि वो टैक्स निकलेगा तो ये खत्म हो रहा है ना कोलैप्स मैं कह रहा हूँ आप मेरे अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया किसी बंदे की आप 50% ज्यादा इनकम डायरेक्टली टैक्स ले जाते हैं फिर वो पानी गैस जो भी करता है उसमें भी ले जाते हैं तो बेचारे को 30 रुपए भी नहीं बचे कोलैप्स हो जाएगा कोलैप्स हो रहा है ये इसको आप ठीक नहीं करेंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा कौन करेगा ठीक सर सियासी नारे तो हर बंदा कहता है अच्छा हर बंदे को ये होती है मैं डॉलर रोक लूंगा जैसे बंदे जब तक नहीं आएंगे मैदान में नहीं आ सकते ना सिस्टम ही नहीं है सिस्टम इलेक्शन लड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए ये सबसे बड़ी बात जिस तरह मार्केटिंग में होता था ना कोक वर्सेस पेप्सी वो इतनी मार्केटिंग करते हैं कि बैरियर 20 किसी तीसरे के लिए तो उन्होंने शासन में भी कर दिया मैं और आप सारी उम्र इलेक्शन लड़ सकते ये PMLN लेके आई थी बेनजीर कहा करती थी कि ये जो है ना कि मुझे करप्शन करनी पड़ती है क्योंकि नवाज शरीफ जो है इलेक्शन में पैसा ले आया पैसा लगा हुआ इलेक्शन नहीं हो सकता और आज तो आप दोनों चले गए आज पैसा इलेक्शन के बगैर पैसा और फिर तनख्वाह कोई नहीं मिलती जो आ रहा है वो कमाने आ रहे हैं ना भाई आप तनख्वाह दे 10 लाख रुपए की तनख्वाह दे और आप मेरिट के लोग लाएं और उसको लाएं वो इलेक्शन ये फिर एक पूरा प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा पूरा थर्ड टीयर से लाएं या थर्ड टीयर लाएं और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आई डोंट नो मैं खैर हमारा कोई इसमें मुझे लगता है गेम प्रेसिडेंशियल की तरफ ही जा रही है और होना यही चाहिए ये सिस्टम फेल हो गया है इस सिस्टम ने आप प्रेसिडेंशियल में कौन सा मेजर सामने आना है नहीं उसमें चले उसमें नीचे थोड़ा सा ये 30 ईयर होगी और ऊपर टेक्नोक्रेट्स होंगे प्रेसिडेंट एक एक बंदे को आप सेलेक्ट करेंगे मैं आप नहीं आएंगे वो एक बंदा होगा फिर वो अपनी टीम वही होगा जो बाहर से इंपोर्ट होता है शॉर्टकट डिजीज और इस तरह के लोग जो आए थे बाहर से हमारे मुल्क में तो अकल नहीं है हमारे मुल्क में तो अकल नहीं जब डिक्टेटर आते हैं बाहर से बंदे लेके अमेरिका में प्रेसिडेंट वोट से आता है उसके पूरा एक सिस्टम है कांग्रेस का पूरा सिस्टम है टेक्नोक्रेट कहां से आएगा
अमेरिका में जब वो कैबिनेट अपनी बनाता हमारे भी अमेरिका से आएगा वैसे तो हमारे तो वैसे ही अमेरिका से आते हैं हमारे यहाँ पे अपना अमेरिका को यही मिले जो भी आते हैं सारे अच्छे वाले उधर ही रह जाते अमेरिका को अच्छे लोग नजर नहीं आते वो उधर ही रह जाते आपके ऊपर कोई निगाह नहीं पड़ती अमेरिका की भाई हम तो आपकी तरह मिडिल क्लास है ना नहीं भाई ये तो कह रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आता कि जब उनको नजर आ रहा है कि इटल मतलब जो अभी हमारी हालत है कि हम दीवार की तरफ जा रहे हैं और आगे दीवार इनेविटेबल है लिखी हुई तो कुछ तो यार फिर सिंसियरिटी मतलब फिर भी नारे वाली बात है ये मतलब ये वाला स्टंट क्या जरूरत है इसकी इस वक्त देखें इस वक्त मोटी मोटी बात है कि आईएमएफ के बगैर आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी IMF कहता है कि इसको भी नहीं मानेगा ये आप दे रहे हैं नहीं नहीं चलें इसको छोड़ें मानेगा इसको अगर जिस तरीके से दे रहे हैं शायद मान भी जाए अच्छा IMF कह रहा है कि सऊदी अरेबिया से पैसे लाओ क्योंकि आपके रिजर्व में किसी भी से पैसे लाओ रिजर्व में पैसे नहीं है वो नहीं होंगे तो आप डेट सस्टेन नहीं कर सकेंगे वो पैसे लाने वाले कहते हैं कि जी पोलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ पोलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ये है कि आप यहाँ पोलिटिशियन बैठे आपकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट बैठती है कि इन पे सख्ती और करो तो इसे कैसे ठीक होगा सर हर रोज सर्कस में ये लिबर्टियन बैठे हैं यहाँ से निकलो एक दिन आ किसी एक ने लगाई होती है एक दिन किसी एक ने लगाई होती है जिसके हक में फैसला आता है वो कोर्ट को सलाम करता है दूसरा कहता है ये बिका हुआ है वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट बिकी हुई है मुझे गुस्सा चढ़ता है सब तो आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर रही है बिजनेसेस कोलैप्स कर रहे हैं और आपके ये तमाशे चल रहे हैं ये प्रायोरिटी है जो भी मुल्क सबको पकड़ के अंदर कर दे जो भी मुल्क चलाता है ये प्रायोरिटी मैं ये कह रहा हूँ सबको अंदर कर दे सबको अंदर रिगार्डलेस मैं इसीलिए कह रहा हूँ अपराइजिंग आएगी मुझे लगता है अगले 10 साल के अंदर पाकिस्तान में एक नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो मिडिल क्लास से निकलेगी सुनील मंच सुनील मंच सर ये आपने मेरे पॉलिटिकल कैरियर का आगाज इधर ही शुरू कर दिया तो सर इसका मतलब ये है कि मतलब मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ और पूछता हूँ तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इस तरह कैपिटल फ्लाइट हो रही है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे मुल्क में जिसको देखो जो थोड़ा अच्छे काम करने वाला था मैं अक्सर मेरे क्लाई क्लास वाले जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं कई लोग मिलके छोड़ के जा रहे हैं मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अगर आपका घर खराब हो तो आप ये तो नहीं था घर छोड़ जाएं मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम पे जो मुल्क में रहेगा उस मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा पाकिस्तानी हूँ मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ यार यहीं पर रहो यहीं पर रहो तो आपको क्या लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी जो अगले 10 साल में हम कह रहे हैं आएगा ये देखने में फैंसी तो बड़ा अच्छा लगता है बट इन शॉर्ट टर्म चीजें कैसी बेहतर होती नजर आएंगी शॉर्ट टर्म में तो कोई चीज बेहतर शॉर्ट टर्म में अगर चीजें ठीक करनी है तो आप इलेक्शन की तरफ जाएं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दें और एक अगले 2 साल तकलीफ की हैं वो तकलीफ गुजारें आप अपने फॉरेन डेट को रिस्ट्रक्चर करें या तकलीफ फिर वही है फाइलर तकलीफ तकलीफ की मतलब यह है कि हाई इन्फ्लेशन ये चीजें 2 साल तक रहेंगी ग्रोथ लो रहेगी उसके बाद चीजें बेहतर होगी लेकिन आप रिफॉर्म्स की तरफ जाएं और वही बात है जो टैक्स नहीं देता उससे टैक्स लें सही मानों में रिफॉर्म करें लैंड को टैक्स करें सही मानों में इलेक्शन को 30 ईयर पे लेके आए सही मानों में वो पैसे जो है वो सूबों से 30 ईयर में ट्रांसफर करें सही मानों में आप रिलीजियसली रिफॉर्म करें और अगर आप चीजों को करें तो 2 साल बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और ये इकॉनमी फलने फूलने लगेगी बट मुझे और अगर ये नहीं करेंगे तो 5 साल बाद ये इकॉनमी इससे बहुत नीचे होगी और आप जो है ना आपका मुल्क जो है ना वो लेबनान टाइप श्रीलंका टाइप हो जाएगा जो बहुत बुरे हालात सर वन आंसर अब गैर सियासी जवाब आपको लगता है कि क्या ये मोटरसाइकिल को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए हाँ मोटरसाइकिल को सस्ता मिलना चाहिए आपको लगता है जिस तरीके से देने जा रहे हैं ठीक है नहीं इसको इनको डायरेक्ट पैसे सब्सिडी या जो उनका टैक्स कम होना चाहिए और वो आप फिस्कल किटी से आना चाहिए गाड़ी वाले से नहीं होना एग्जैक्टली तो मैं और आप इस पे एग्रीमेंट कर लेते हैं मैं भी कहता हूँ जो गरीब को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए उसको देने का तरीका जो है वो गलत है बजाय उसके के लोगों को वही बात है हमें ना हर चीज में पासपोर्ट बनाना हो आईडी कार्ड बनाना लोगों को लाइन में लगवाने का शौक है वो लाइन में लग जाए अफसर शाही जो है ना वो खुश होते हैं हाँ। मजे की बात है मैंने पहले दिनों पासपोर्ट बनवाया आपकी सोच है मैं आपको इसके बाद वाक्य सुनाऊंगा लाइन में लग गए ये VIP लाइन है अब ये अर्जेंट था अब अर्जेंट से सुपर अर्जेंट की अलग फीस है वो भी एक अलग लाइन है इंटरनलाइज कर लिए दूसरी तरह अब इसमें भी आप लाइनों में लगा रहे हैं तीसरी बात यह है कि भाई आपने सब्सिडी देनी है स्टेट का काम है ना जो फाइलर पहले टैक्स दे के गाड़ी ले रहा है क्योंकि गाड़ी तो मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी का नाम टैक्स होना चाहिए उसमें तो टैक्स से बचना बहुत मुश्किल है गाड़ी का CKD इंपोर्ट होती है उस पर टैक्स है गाड़ी बनती है फिर उस पर 18% से 25% GST है सो छोटी गाड़ी पे 30-40% और बड़ी पे 50% डायरेक्टली पहले टैक्स है फिर वो गाड़ी रजिस्टर में जाती है 25 नामों से आप टैक्स लेते हैं इनकम टैक्स फलाना टैक्स फलाना फलाना उधर भी एक अलग माफिया है जो कि रिश्वत का बाजार गर्म करके बैठा है कोई गाड़ी आप बगैर रिश्वत के ना रजिस्टर करा सकते हैं ना ट्रांसफर उसके बाद आप जी उसको सड़क पे चलाते हैं मोटरवे पे चले जाएं कहीं चले जाएं हर गली मोहल्ले में टोल टैक्स है बिल्कुल टैक्स है उसके बाद आपको एक सालाना टोकन टैक्स है फिर उसके बाद मैं जितने लीटर डलवाऊं उसमें मैं गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी जो इनएफिशिएंट है उसमें मैं सब्सिडाइज भी करूं बस आप गाड़ी छोड़ दें और जो है ना वो मोटरसाइकिल पे आ जाएं सर वो देखें बस वो साइकिल आ गई साइकिल ये आपने मुझे भी नहीं दी सर ये साइकिल इज द ओनली सॉल्यूशन बट आई थिंक जो बेसिकली लोगों का भाम था या जो मेरी क्रिटिसिज्म थी मैं अभी भी उस पे कायम हूँ कि पॉलिसी को बेहतर तरीके से किया जा सकता है इंडीड और हमने कोशिश ये की है कि आपको बताएं कि अभी जो फिलहाल जो पॉलिसी आ रही है उसमें क्या है
एक बुरी न्यूज़ ये है कि हाँ जी गाड़ी वालों के लिए समझे मजीद महंगा होगा, और मोटरसाइकिल वाले भी वो जिनकी इनकम एक सर्टन पॉइंट से ऊपर है उनके लिए भी महंगा होगा, और ये एक सियासी नारा जो है उसकी कॉस्ट जो है आप अदा करेंगे, तस्वीर किसी और की बनेगी। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कीर्तन वाकियों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।